वो संपादक रहे, वो राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी रहे। उन्होंने बीएसएफ की वर्दी पहन के देश की हिफाजत भी की और अब उन पर जिम्मेदारी है मणिपुर के मुख्यमंत्री की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मणिपुर के नए मुख्यमंत्री की, श्री एन बीरेन सिंह। आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जिस काम को करने में इबोबी सिंह की सरकार 3 महीने तक विफल रही, उनकी सरकार ने ये करिश्मा 3 दिन में कैसे दिखा दिया। आइए बात करते हैं। बीरेन सिंह जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई मुख्यमंत्री बनने की, और ये बताइए कि ये करिश्मा आपने कैसे किया। इकोनॉमिक ब्लॉकेट मैंने कवर किया था और बहुत परेशान थे लोग, आपने 3 दिन में सब कुछ खुलवा दिया। शुक्रिया। ये एक चीज़ होता है विश्वास, सबसे ज़रूरी है विश्वास रखना। पब्लिक के साथ विश्वास रखने से सब कुछ हो जाता है। टू पीपल्स एक्सपेक्ट मी, ट्रस्ट मी, तो हम रिक्वेस्ट किया और नागा पीपल्स और यूएनसी ने सुन लिया, इतना ही। आपका कहना है कि आपने रिक्वेस्ट किया और लोगों ने सुन ली। आप कांग्रेस में भी मंत्री रहे, तो उसका कितना आपको फ़ायदा मिला? क्योंकि जब आप थे तो आपने काफ़ी लोगों की बातों को समझा था, आपने तत्कालीन मुख्यमंत्री को भी बताया था। जाहिर सी बात है, अब आपके पास नया रोल है, तो ये आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितना काम में आया? हाँ, बहुत काम में आया। हम जब मंत्रिमंडल में थे कांग्रेस का, तो उसी टाइम पे हम इधर उधर भागता था, बाहर का जगह ये इनर ये जो रीच आउट कर जो नहीं कर सकता था वो किया था। लेकिन मेरे पास में इतना नहीं था कि हम खुद डिसीजन ले और खुद काम करें, इतना ही लापरवाही था। इसलिए मेरे को जो चाहता था वो कर नहीं सकता था। लेकिन अभी भगवान की दया से और पब्लिक की प्यार से हमको ये चांस मिला है, तो हम उम्मीद है बहुत करेंगे, कर रहा है। आपको भी उम्मीदें हैं और पूरे प्रदेश की जनता को भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आपसे? कभी कभी मेरे को डर भी लगता है, क्योंकि इतना उम्मीद है। जस्ट आई हैव सीन थ्रू सोशल मीडिया, ये फेसबुक में, ट्विटर में, कहाँ देख लिया। तो हम ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि इतना मतलब होशियार से कर रहा हूँ कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। यही है मेरा अभी टेंशन बहुत है। आपने कहा आप तनाव में, लेकिन हमें तो आप मुस्कुराते हुए लग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने ऐलान किया था कि मणिपुर को बंद मुक्त, बंद फ्री रखा जाएगा, बंद फ्री कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा और उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? क्योंकि मणिपुर का ये बेन कह लीजिए कि काफ़ी परेशान रहते हैं लोग, अक्सर यहाँ किसी भी बात पे बंद हो जाता है। देखिए, जो बंद करता है, हम जो लोग कुछ मांग के लिए आया, कुछ मांग कर रहा है, वो मांग को पूरा करे ना करे, उसका एक वेंटिलेशन होना चाहिए, बातचीत करने का दरवाज़ खोलना चाहिए। तो अगर हम, मेरा उम्मीद है कि जो एजिटेशन कर, कुछ डिमांड कर रहा है, कुछ मांग कर रहा है, तो उसको रास्ता दे के, खोल के उससे बात करें। ये सकता है, वो नहीं सकता है। तो उसी वजह से हम बोला कि हम हर एक को, जो एजिटेशन की मूड में हो, कोई मांग की मूड में हो, कोई हो तो उसको हम खोला खोली बात करेंगे। इसी उम्मीद से हम बोला है कि बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि बात करने से सब आपस में अंडरस्टैंडिंग तो आएगा। आपने कहा बात करने से सब कुछ हल हो जाएगा, तो ये बात शायद लगता है कि इबोबी सिंह की सरकार को समझ में नहीं आई और तभी आपकी सरकार को मौका दिया गया। लेकिन हाईवे सिक्योरिटी की बात हमेशा चलती रही है, हाईवे सिक्योरिटी फोर्स होनी चाहिए। उसको कब तक, उसका गठन हो जाएगा और कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे? देखिए, इस बार हम मुख्यमंत्री बनने के बाद में हम कॉल ऑन के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास और होम मिनिस्टर राजनाथ जी के पास गए थे। तो मेरा ये मणिपुर का जोग्राफिकल फैक्टर देखते हुए, जो लैंडलॉक है हम लोग, वाटरवेज नहीं है, और लैंडलॉक में हिली एरिया टेरेंस है, तो रेन स्लाइड की वजह से भी आता है, कोई रास्ता में हथियार वाले, कोई कुछ मुश्किल होता है। इसके लिए हम मांग कर रहा था कि एक हाईवे प्रोटेक्शन परमानेंट रखे। अदरवाइज़ कभी हम लोग को बीएसएफ से पूछना पड़ता है, असम राइफल से पूछना पड़ता है, वो भेजिए, वो हो, वो, तो ये दिक्कत ना रहे। इसलिए तो हम, राजनाथ जी मिला तो वो बहुत खुश से बोला ठीक है, तो 4-5 बटालियन, वो बटालियन खोलने देगा आईआरबी के नाम से। आईआरबी मतलब इंडियन रियाज बटालियन के नाम से। लेकिन स्टेट को ये ऑथोराइज है कि हम लोग ये बॉर्डर ये नेशनल हाईवे प्रोटेक्शन के रूप में यूज़ कर सकता है। तो मेरा उम्मीद है कि इतना कोऑपरेटिव है वो सेंटर के लीडर लोग, मोदी जी और ये अपने जितना मिनिस्टर लोग, होम मिनिस्टर वगैरह लोग जो है बहुत कोऑपरेटिव है, तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा, देगा, हम यही लगता है। मैं जानना चाहूँगा कि चुनाव से ठीक पहले गोविंद सिंह की सरकार ने 9000 रिक्रूटमेंट्स नियुक्तियों की घोषणा की और आपकी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगे, चुनाव के दौरान आम जनता भी काफ़ी त्रस्त थी कि हर पद के लिए एक टैग लग गया, प्राइस टैग, कि आप इतने लाख रुपए दो और आपके लिए ये पोजीशन आपको मिल जाएगी। आपने कहा था कि जब आपकी गवर्नमेंट आएगी तो उसको रिव्यू किया जाएगा, उस सिलसिले में क्या किया जा रहा है? देखिए, दो चीज़ सामने पड़ा है, एक तो इलीगल रिक्रूटमेंट होगा, अगर मिल गया तो जस्ट वी आर रेडी टू रिव्यू इट, और इलीगल नहीं है तो जो काम नहीं है, जो अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूट है, वो लोग को भी सोचना पड़ेगा। अगर हम लोग सबको रिव्यू करते रहे और कैंसिल करते रहे, दूसरा करते रहे, तो कोई कोई का यूथ लोग का भविष्य में बहुत मुश्किल होगा। तो हम लोग एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जो जितना डीपीसी करके किया है उसमें इरेगुलरिटीज़ क्या है, अच्छा से फॉर्मेलिटीज़ के साथ किया हो तो जस्ट हम करेंगे और अप्रूव और अलाउड करेंगे, अगर थोड़ा सा इरेगुलरिटी मिलेगा तो वो कैंसिल करके दोबारा करेंगे। इसीलिए हम एक इंडिपेंडेंट कमिटी बना के उसको देखभाल करा रहा है। एक एंटी ट्राइबल बिल को लेकर 2 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो गए हैं और अभी वो इनकॉन्क्लूसिव रही है, क्योंकि मणिपुर में शांति के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। आप अभी भी होपफुल हैं कि आगे बातचीत होगी और उस पर कुछ डिसीजन निकलेगा, कुछ कंक्लूजन निकलेगा? देखिए, वो एंटी ट्राइबल बिल एक्चुअली एंटी ट्राइबल बिल नहीं था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो प्रीवियस गवर्नमेंट ने अच्छा से कन्विंस नहीं कर सका लोगों को। तो हम 2-3 बार मिला तो हमने बोला कि देखो, बिल में वो डालना है हम लोग के इंडिजिनस पॉपुलेशन का, ये मणिपुर में है 33 रिकॉग्नाइज ट्राइब जो, और 4-5 और है अनरिकॉग्नाइज ट्राइब, टोटल मिला के 36-7 ट्राइब्स हैं। तो वो बिल बॉडी में सबको इंडिजिनस पॉपुलेशन बोल के डालने से कोई कंट्रोवर्सी नहीं था। तो अभी भी हम वो लोग को बोला है कि अगर हम लोग बिल कभी बनना पड़े और पास करना पड़े तो सबको विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोग को दिया है, उसी के हिसाब से सब कम्युनिटी को इंडिजिनस पीपल नाम डाल के करेंगे। तो उसमें तो वो लोग माना है, लेकिन वो लोग अभी अलग अलग डिमांड आ रहे हैं ना, तो अलग अलग डिमांड आ रहा है, तो मतलब ये मणिपुर भी तो छोटा मिनी इंडिया है, बहुत कम्युनिटी, देखो 33 ट्राइब्स है रिकॉग्नाइज, तो टोटली नियरली 40 है। तो इसमें एक सुन के काम करेगा दूसरा गुस्सा होगा, एक सुन के काम करेगा दो का करेगा गुस्सा होगा। तो हम वो लोग को बोला है कि अभी इमिडिएटली आप लोग को जो मांग है पूरा नहीं कर सकता है, तो हम अभी इतना कर सकते हैं कि जितना डेथ हुआ है और इंजूर हुआ है और डिसेबल है और उसका घर जला हुआ है, उसको जस्ट गवर्नमेंट लोग उसको कंपेंसेट कर सकता है, और कैसे हुआ, जो आदमी मारा है कैसे पुलिस स्टेशन को, तो उसके लिए हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकता है, जो उसमें गलती होगा उसको पनिश कर सकता है एज पर रूल्स। तो इतना तो हम लोग वो लोग को एश्योरेंस दिया, लेकिन वो लोग अलग से कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो हिच इज़ नॉट विद इन कैपेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसीलिए हम थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, आई होप वो जल्दी आ जाएगा, बात मतलब सेटल हो जाएगा। अभी आपने एक विंडो भी खोल दिया है कि 10th ऑफ एवरी मंथ ट्राइबल लीडर्स आपसे मिलेंगे और 15th को आप जनता दरबार लगाएंगे। तो आपको लगता है कि जो आप एक्सेसिबिलिटी आप बढ़ा दी है आपने, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन और उनकी डिमांड्स दोनों बढ़ेंगी, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? देखो, भारत के अंदर में मणिपुर का काफ़ी इलेक्शन जो है 60-70 ईयर्स इंडियन इंडिपेंडेंस में हम लोग मणिपुर शामिल करके आ रहा है, लेकिन मणिपुर के कुछ सेंजिबल विजिबल चेंजेस नहीं है। तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग लॉट्स ऑन टू मी, हम मालूम है, लेकिन हम भी चाहता है कि विजिबल चेंज दे। तो आई एम लकी दैट नरेंद्र मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे हैं और उसका टीम इतना, मतलब हम गया तो एक हर एक मिनिस्टर को सिर्फ कॉल ऑन में ऑफिसर लोग को बुला के मीटिंग कराया, और हम लोग का जितना डिमांड है, ग्रीवांसेस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सुना, और इमिडिएटली हम घर पहुंचते ही, स्टेट पहुंचते ही 150 करोड़ भेजा है, मतलब इतना इफेक्टिवली कर रहे। तो मतलब पब्लिक को इतना 15-20 साल का इतना जो दबा के रखा ना, तो हमने एक वेंटिलेट करके दिया है। तो इसलिए हमको थोड़ा आई नो हमको लोग मिलने में थोड़ा शेड्यूल टाइट रहेगा, हम थोड़ा दुखी होगा, लेकिन भगवान ने जो काम करने के लिए हमको ये बना है तो आई हैव टू बियर इट। आई थिंक सो हमको कुछ करना पड़ेगा। कल उखरूल आप गए और पढ़ के अच्छा लगा कि उखरूल के अंदर जो डिस्टर्ब एरिया था इकोनॉमिक ब्लॉकेट में, तो हम जाने की सोच भी नहीं सकते थे वहाँ पर। आप गए वहाँ पर और आपने कहा मुझे बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी नहीं चाहिए और आप सीधे लोगों से रूबरू हो गए। ये आपको डर नहीं लगा कुछ भी कि भाई आपके सिक्योरिटी वाले भी बड़े एप्रीहेंसिव होंगे कि अरे मुख्यमंत्री जी एकदम बुलेट प्रूफ को छोड़ के बाहर आ गए? नहीं, एक्चुअली हम पहले भी बोला, देखो एक ट्रस्ट जो होता है, व्हाट एवर हैपनिंग जो हुआ है ट्रस्ट डिफिजिट की वजह से हुआ है। तो ये सबसे ज़रूरी है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। हमने इमिडिएटली सरकार बनने के बाद, हमको चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बनने के बाद हम डिक्लेयर किया है एवरीबडीज मेरे को डोर ओपन है बातचीत के लिए, और हम भी आएंगे, हम भी जाएंगे, हम हिल्स के एरिया में कैबिनेट मीटिंग करेंगे, डेवलपमेंट के लिए सब आके करेंगे। उसके बाद में वो लोग ने ट्राई किया कि हम लोग को फेलिसिटेशन देंगे, तो मेरा दिल में आ गया कि इतना होने के बाद में हमको रिसीव करने के लिए, हमारी टीम को रिसीव करने के लिए बुला रहा है, तो हमको मतलब असाई के लिए बुलाया। तो असाई के लिए बुलाया तो उसमें हम बुलेट प्रूफ के अंदर में बात करने का क्या फ़ायदा? व्हाट आई फील। तो हम बोला, ओपनली बोला, बुलेट प्रूफ में बात करने के लिए हम यहाँ में नहीं आया, आप लोग को खुला से मिलने के लिए आया, तो हम खुला से बात करेंगे, खुला से मिलेंगे। तो बहुत खुश हुआ पब्लिक लोग भी, हम भी खुश हुआ, आप भी खुश हुए, और खुशी खुशी में आपने 200 करोड़ का उनको गिफ्ट भी दिया है। इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि उखरूल नागा डोमिनेटेड एरिया है और डिस्टर्बेंस रहा है। मैं भी आया था जनवरी के अंदर, मैंने देखा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए हम बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो अभी देखिए शिरोई, ये शिरोई है, एक जैसे फ्लावर है, एक हर एक दुनिया में एक यही जगह में मिलता है, एक ही है शिरोई लिली। जैसे क्या है वो अपने डियर संगाई, तो ऐसे चीज़ को ऐसे दबा के रखा हुआ है, मतलब नेशनल लेवल इंटरनेशनल में बनाना फेस्टिवल कर सकता था, तो करता है तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का छोटा मोटा, तो मतलब मेरा एक चीज़ को उठाने से हम खुश हो जाता है, ये तो ह्यूमन नेचर है। तो जैसे उखरूल का, टांगखुल का, नागालो का इतना प्राइड, इतना प्रेसिशियस चीज़ को हमने कल बोल रहे थे कि ये नेशनल लेवल में बनाएगा, तो शायद उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, क्योंकि खुद का वो लोग खुद का चीज़ हम लोग जाके उसको अपलिफ्ट कर रहा है, तो क्यों डिस्टर्बेंस आएगा? और हम रास्ता को बनाने के लिए बोला, नहीं मई तक नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा, इतना 4-5 किलोमीटर का बाज़ार के एरिया को बस एक 15 दिन में या 20 दिन में बना सकता है। तो शायद ऐसा ही करने से डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। वो लोग चाहता है कि विजिबल थिंग्स जो काम करेगा, बोल के नाम में पैसा तो ले लिया, काम तो नहीं करता, इसी वजह से वो लोग गुस्सा है। तो माई गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू गिव विजिबल डेवलपमेंट टू द पीपल्स ऑफ द उखरूल। मणिपुर अनटच है टूरिज्म के लिए। मैं पिछली बार आया था, मैं लोकटक लेक देखने गया था, नॉर्थ ईस्ट के अंदर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो टूरिज्म की जो इतनी अपार संभावनाएं आपके यहाँ हैं, उसके लिए आपकी गवर्नमेंट ने क्या तैयारी की है? देखो हम वो कांग्रेस के मिनिस्ट्री में था, तो मेरा एक दोस्त था, यह अभी MPCC के प्रेसिडेंट, ये उस टाइम पे वो था टूरिज्म मिनिस्टर, तो हम लोग ने थोड़ा कुछ प्लान किया हुआ है। अभी वो लोकटाक का बोटिंग वगैरह का जो है वो हम लोग का टाइम पे बनाया हुआ था, और ये अभी ये पोलो मार्जिंग पोलो कम्प्लेक्स अभी बना रहा है, इरेक्शन स्टेचू इरेक्ट करने जा रहा है, 120 फीट हाई अबव द हिल टॉप्स, क्योंकि पोलो इज़ मॉडर्न पोलो इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम मणिपुर। तो ऐसे करके हम खोंगजोम वॉर मेमोरियल काफ़ी हम लोग डेवलप किया हुआ है, तो इसको अभी विजिबल नहीं है। अभी दिस गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू कंप्लीट इट एंड इसको पब्लिक में शो करेंगे। और नया जगह है, अभी काफ़ी नया अच्छे जगह है हिल्स में, रूरल एरिया में, उसको हम लोग सेलेक्ट करके डेफिनेटली हम लोग इसको अप करेंगे। लेकिन जो टूरिस्ट बाहर से आएंगे उनको भी कॉन्फिडेंस चाहिए और उनको सिक्योरिटी का फीलिंग चाहिए। अभी जो नागा है वो कह रहे हैं कि सेंटर के साथ जो NSCN-IM का जो समझौता हुआ उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, तो ये सारे इश्यूज़ को आप कैसे सेटल करेंगे? ताकि शांति बहाल हो, बाहर से लोग यहाँ पर आए। देखिए ये ऐसा ही नहीं रह सकता। टॉक को ख़त्म करना है, सेटल में लाना है। तो नागा का हो कुकी का हो, यहाँ पे नॉट ओनली नागास, यहाँ में नागा भी है, कुकी भी है, मुस्लिम भी है, ये क्रिश्चियन, बहुत कुछ है। तो ये लोग का अलग अलग डिमांड है। तो अलग अलग डिमांड को हम लोग सिंपैथेटिकली डिस्कस करेंगे। उन लोग को जो ऑटोनॉमी चाहिए जो हम लोग का पास में है, गवर्नमेंट का पास में है, वो देंगे। तो वो एक्सेस जो है वो नहीं दे सकता हम लोग, वो जो नहीं दे सकता है उसको हम लोग उसको कन्विंस करेंगे। क्योंकि वी कैन नॉट डिवाइड द स्टेट ऑन द इथनिक लाइन। नागा का ये ले जाओ, कुकी का ये ले जाओ, मेतई का ये ले जाओ, ये नहीं होता ना। स्टेट एक स्ट्रक्चर होता है। ये पंजाब अलग जाओ, कश्मीर अलग जाओ, ये बिहारी अलग जाओ, ये नहीं होगा ना। इंडिया का भी जैसे हम लोग का मणिपुर का भी एक साथ रहना है हम लोग। जो नागा का डिमांड है उसको विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क और विद इन द स्टेट हम लोग क्या कर सकते हैं उसको देखेंगे, देंगे। तो आपने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ मणिपुर सबसे पहले है। जो पूर्व में सरकार थी बोबी सिंह की, उन्होंने इलेक्शन से ठीक पहले 7 नए ज़िलों का गठन कर दिया। उसको बाद में उसके बाद रिएक्शन आया, इकोनॉमिक ब्लॉकेट लग गया। आपकी जब आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी तो बीजेपी ने कहा था कि हम उसको रिव्यू करेंगे। तो उस बारे में क्या आप सोच रहे हैं? क्या इसको रोल बैक करेंगे? नहीं नहीं, हम लोग रिव्यू करेंगे नहीं बोला, हम लोग रोल बैक भी नहीं करेंगे। हम लोग ने बोला कि बाउंड्री का डिस्प्यूट जो है इट शुड हैव बीन डन आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द बाउंड्री कमीशन रिपोर्ट। यहाँ में जो डिस्ट्रिक्ट बनाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का बनाना है, तो एक रात में कैसे बनाया? इसको बाउंड्री कमीशन ऐसा से फ्रेम को है, उसको बाउंड्री का ये मोइरांग का है, ये थौबाल का है, ये उखरुल का है, ये सेनापति का है। वो फाइनलाइज करने के बाद अगर ये डिस्ट्रिक्ट क्लियर होता तो ये नहीं होता। तो हम लोग अभी बाउंड्री कमीशन को रिवाइव करके दोबारा कराएंगे, सब उसके बाद में सेटल हो जाएगा। सर आपने कहा इसको दोबारा कराएंगे, बाउंड्रीज दोबारा कराएंगे माने जस्ट जो क्रिएट किया हुआ डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऐसा ही रहेगा, सिर्फ बाउंड्री डिमार्केशन जस्ट वी गोइंग टू रिपीट इट। इसको लेकर आपको कितना चैलेंजिंग लगता है कि बाउंड्री डिमार्केशन आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखो सर, लाइफ में चैलेंज तो आते रहता है, चैलेंज तो है ही है, वी हैव टू फेस इट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं दोबारा बोलूँगा कि ट्विन इंजन की बात करते रहे हैं। आपके यहाँ सेंट्रल स्कीम्स कौन कौन सी हैं जिनको आप टाइम बाउंड तरीके से पूरा करना चाहेंगे? देखिए उसका सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम से ये जो घर नहीं है घर देना है, तो टॉयलेट नहीं है टॉयलेट देना है, और ये वाटर ड्रिंकिंग वाटर का ये बेसिक एरिया जो बेसिक ये जो है थोड़ा हम लोग से चैलेंजेस लगता है मेरे को। तो अभी आई एम ट्राइंग हार्ड, हम लोग काम शुरू किया है। लैट्रिन टॉयलेट जो नहीं है उसको कर रहा है। तो हाउस जो नहीं है हाउस देने के लिए हम पहले में हमारा कैबिनेट ने क्या किया, पहले में वो अकेला हस्बैंड से होता था। तो अभी तो एज पर द नॉर्म्स हस्बैंड एंड वाइफ हैज़ टू बी द इंटाइटल्ड फॉर द लैंड। तो हम लोग ने लड़की को उसका बेबी को हाउस ओनर में डालने के लिए जो पैसा लगता था इसीलिए नहीं करता था पहले, तो उसी पैसा को हमने कैबिनेट ने एग्जाम किया सो डेट लड़की का नाम और बीवी का नाम ऑनरशिप में आ जाए और जल्दी से जल्दी घर बनाने का स्कीम मिले। तो ऐसा करके ईजीएस बना रहे हम लोग। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि काफ़ी चैलेंजेस हैं और सब चैलेंजेस को मैं मुस्कुराकर फेस करूंगा, सेंट्रल स्कीम्स को भी इम्प्लीमेंट करूंगा। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूँ कि मुख्यमंत्री बाद में राजनीतिज्ञ बने, लेकिन पहले ये एक फौजी रहे और बहुत अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी भी रहे। क्या है इनकी योजनाएं फुटबॉल के बारे में मणिपुर में? बात करेंगे ब्रेक के बाद। किसान भाइयों गांठ बांध लो, बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए, मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाए, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए, अब नहीं तो कब। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा। हाँ, चिंता मत करो क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गाँव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। मणिपुर की अगर जब बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, तो एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। आप तो एक्सेसिबल हो गए लेकिन मणिपुर की कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू है और हाईवेज अगर जाम हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। रेलवे का जो प्रोजेक्ट कांग्रेस ने अनाउंस किया था, जिरीबाम इम्फाल का जो कनेक्टिविटी है, तो अगर हम आंकड़ों पर जाएँ तो 2000 से लेकर 2004 से 2014 जब यूपीए की सरकार थी तो सिर्फ 11% काम हुआ। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो 22% इसमें तेज़ी आई, 22% काम पूरा हो गया। आपने ये अनाउंस किया है कि 2020 जो इसका शेड्यूल पीरियड टाइम है उससे आप 3 महीने पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो वो आपके लिए कितना चैलेंजिंग है और उस पर कितना काम हो रहा है? नहीं अभी देखिए, अभी मणिपुर का एक चीज़ ये है कि रेनी सीजन टाइमिंग जो है ना बहुत लंबा है, 5-6 महीने चला जाता है। लेकिन दिल्ली वगैरह, राजस्थान, हरियाणा वगैरह में कम है रेनी सीजन। यहाँ में ड्यूरिंग रेनी सीजन में वो पहाड़ के एरिया तो काम नहीं कर सकता, इसी वजह से देर हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो बोला है उसको तो निभाना ही पड़ेगा, उसको तो करेंगे ही। अब बात करते हैं एन बीरेन सिंह की, बतौर फुटबॉल ही बतौर जर्नलिस्ट। आपने एक अखबार में आप एडिटर भी रहे जिसका नाम था नहारोलगी थौदांग, इसका मतलब होता है होप ऑफ द यूथ, यानी कि युवाओं की आशा। तो जब आप काम करते हैं बतौर चीफ मिनिस्टर तो एडिटर कब कब जागता है आपके अंदर? ये कभी कभी, अभी तो ये आप मुख्यमंत्री बनने के बाद में नहीं जागता। पहले जो एमएलए था और मिनिस्टर था द लास्ट 15 ईयर्स, तो कभी कभी जागता था क्योंकि जो हम चाहता है वो कर नहीं सकता, तो कभी कभी हम लिखता था चुपके से। लेकिन अभी ये 10-20 दिन में तो जो मेरा मन में था, जो पीपल्स का मेरा विजडम था, वो अभी जैसे तैसे निभा रहा है। थोड़ा सा जैसे एंटी करप्शन का हो, ये ओल्ड एज पेंसिल का हो, ये रास्ता खराब है तो पोर होल करो बोल के, मतलब प्रैक्टिकली दिखा सक रहा है। तो इसीलिए अभी तक तो मूड नहीं आया वो लिखने का मूड नहीं आया। लेकिन एक जर्नलिस्ट आपके अंदर हमेशा जिंदा रहेगा, कोई कहा जाता है वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। तो पत्रकार के तौर पे आप कितना सोच पा रहे हैं जब आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हो, क्योंकि आप लगाम आपके हाथों में है। एक पत्रकार हर चीज़ में देखता है, प्रोज एंड कॉन्स को समझता है, और आपके अखबार का नाम था युवाओं की आशा, तो वो चीज़ आपको कितना गाइडिंग फोर्स बन के आती है? हाँ बहुत, इसमें ये 4 पिलर है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। एंड ये कभी कभी मेरे को ये एक खराब लगता है कि कोई जर्नलिस्ट हम ये देखे कि थोड़ा सा किसी में जस्टिस को, रियलिटी को छोड़ के थोड़ा सा फेवरेट टर्म्स में या साइड लेने का मूवमेंट देखा तो मेरे को इतना गुस्सा आता है। तो हम कभी कभी एडिटर लोग को भी हम झगड़ा करते हैं टेलीफोन से ऐसे ही। तो मतलब यही तो है, हम लोग का मिरर है सोसाइटी का, इसको एकदम नीट एंड क्लीन रखना चाहता है हम। और मेरा तरफ से ये जर्नलिस्ट लोग को जैसे पहले से रहा है ऐसे ही वो लोग का रेस्पेक्ट, वो लोग को मदद करने के लिए, वो लोग का ग्रीवांसेस जो है उसको फुलफिल हेल्प करने के लिए हम रहेंगे ऐसे। फुटबॉल आपका फर्स्ट लव और मणिपुर फुटबॉल के लिए जाना जाता है, संतोष ट्रॉफी तक पहुंचा मणिपुर, लेकिन अब वो वाला स्टैंडर्ड नहीं रहा, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या किया जाएगा? क्योंकि आपने कहा कि एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी आप लाना चाहते हैं और बतौर फुटबॉलर आप इसको किस तरह परसू करेंगे? फुटबॉल के लिए हम यहाँ पे रीजनल फुटबॉल एकेडमी इस्टेब्लिश करने के लिए हम DPR वगैरह सब बन गया था 100 करोड़ का, क्योंकि अगर हमारा इंडिया अगर एशियन लेवल तक और ये कुछ लेवल तक जाने, इंटरनेशनल लेवल में जाना है तो नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर बहुत ज़रूरी है फुटबॉल में, पार्टिकुलरली मणिपुर, मिजोरम, ये बहुत जरूरी। मतलब एक प्लेयर में स्पोर्ट्स में फुटबॉल में जो होता है ये एक ज़रूरी है, क्या है, किलिंग इंस्टिंक्ट, एक किलिंग इंस्टिंक्ट का ज़रूरी है, वो हम भी नहीं मालूम था। तो उस टाइम का मेरा एक कोच था ये अर्जुन सिंह, ही वॉज द ओलंपियन, उसने बोला था बीरेन, हम बोला सर व्हाट इज़, हमने पूछा उसको सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मणिपुरी प्लेयर्स एंड अदर्स। हाँ बीरेन जी, जो आप लोग के पास में किलिंग इंस्टिंक्ट है बाकी सब में नहीं है। तो ये सोच के इंडिया में कितना है अभी वुमेंस का, तो इंडिया मणिपुर का पूरा टीम है अपने साइड, और लड़का लोग में भी हम लोग का 8-9 तो था, लेकिन अभी थोड़ा सा डाउन आ गया। तो हम व्हाट आई वाज प्लानिंग फुटबॉल एकेडमी खोलने का सोच रहा था। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर जी ने एक यूनिवर्सिटी दे दिया, अभी ज़मीन दिया हुआ है। तो कल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से टेलीफोन आया, आफ्टर पार्लियामेंट ही इज़ रेडी टू कम डाउन फॉर वो स्टोन लाइंग सेरेमनी, फाउंडेशन स्टोन के लिए, और शुरू करेंगे। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इस बार गया तो पहले कंस्ट्रक्शन की टाइम है, कंस्ट्रक्शन करेगा, कंस्ट्रक्शन तो टाइम लगेगा, उसी टाइम में यूनिवर्सिटी को स्टार्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का कुमलापा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसमें करने के लिए, तो शायद ये भी पॉजिटिवली करेगा, हम जस्ट स्टार्ट करेगा सोच रहा है। तो मणिपुर ऐसी चीज़ है कि स्पोर्ट्स में जितना पोटेंशियल है स्पोर्ट्स में और फुटबॉल में पर्टिकुलरली बहुत है, इसको थोड़ा इंडिया का, इंडियन फुटबॉल फेडरेशन वगैरह जो है थोड़ा स्पेशल अटेंशन ज़रूरी है। आप फौजी भी रहे हैं और फौज ऐसी चीज़ है जिसमें जिसकी बहुत इज्जत होती है पूरे देश में। राजनेताओं की हम बात करते हैं, राजनीति में वो इतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी कि फौज के लिए है। तो एक फौजी होने के नाते आप जब राजनीति में आए तो वो आपको कितना कॉन्फिडेंस देता है डिसिप्लिन के साथ, और आपने क्या गोल सेट करी है मणिपुर में पहले साल के लिए? देखिए फौज में रहने का इतना मेरे को फ़ायदा है कि डिसिप्लिन और जो देश को अपने जान से भी ज़्यादा दो, देश को जो रेस्पेक्ट देता है, कुर्बान करता है, उसी चीज़ को हम लेके पॉलिटिक्स में आया। तो हम ये सोच रहा है कि अभी मेरा जो जितना रिमेनिंग पार्ट ऑफ माय लाइफ तो देश के लिए कुछ करके जाऊं, कुछ नाम रखे। हम चला जाने के बाद में और हमारा जीवन चला जाने के बाद में कुछ मेरा देशवासी लोग ने मेरा कुछ नाम लेके अच्छा से रिमेंबर करे, उतना के लिए हम कुछ करने का सोच रहा हूँ। एक आखिरी सवाल, आप स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जब हम बात की जाती है, जब हम बात करते हैं तो जो अपना विरोधी खिलाड़ी है, ऑपोजिशन जो है, हम उसके साथ भी दोस्ती करते हैं, और कांग्रेस का दिल लगता है आपने जीत लिया है, ऑपोजिशन कह रही है आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। हाँ, ये तो मतलब पुराना दोस्त लोग है सब। स्पोर्ट्समैन का ये जो है, ये हम लोग जस्ट वी फॉरगेट एवरीथिंग। जो मैच में अगर खून भी लगे, खून भी गिरे, वो मैच खत्म होने में बस हम लोग हाथ मिल के गंदे लगाता है। वैसी पॉलिटिक्स में भी हम लोग जो कर रहा है वो देश के लिए, प्रजा के लिए कर रहा है, तो पर्सनल एनिमिटी क्यों रखना, तो यही सोचता है। तो ये थे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, जिनका ये कहना है कि मैच के अंदर चाहे जितनी दुश्मनी हो, गुस्सा हो, लेकिन उसके बाद हम सब दोस्त बन जाते हैं। और इसी तरह इन्होंने कहा है कि सब मेरे दोस्त हैं और ये बन गए हैं मणिपुर के अजातशत्रु। अजातशत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं। मुख्यमंत्री जी, दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।